रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में जैसा कि पेप्सी, मिरिंडा, सेवन अप वगैरह के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, तो मैं आपको इनके मुतलक अपडेट कर देता हूं। बड़ी बोतलों के मुतलक भी बता दूंगा भाई। तो यहां मैं आपको टीम पैक के मुतलक बता दूं। ये मिरिंडा का टीम पैक है, ये पेप्सी का है। तो ये देख लें, ये दो टीम पैक लिए हैं, ये दो नाल केक लिए हैं, ये यमामा के 900 रियाल का ये आता था, 250 रियाल की पहले ये आती था, आपको पता है। तो अभी ये दो लिए 5 और 6 रियाल बनने चाहिए, तो उसने हमसे 7 रियाल लिए हैं जी, और ये 10 हलाला वापस किया है सिर्फ, यानी कि 6 रियाल 90 हलाले का। ये अभी 3 रियाल की हो गई है जी, ये एक जो 2.5 रियाल की थी ये मैं आपको बताता चलूँ, और ये 10 हलाला वापस किया है उसने, बस 7 रियाल लिए हैं अभी, तो हालांकि पहले 6 रियाल लगते थे। मैं आपको भाई ये कोडर्ड भी दिखा दूं, आप देख लें, ये छोटी कोडर्ड है। आप सब भाइयों को पता है ये 2.5 रियाल इसका, पहले जब नैनी आई थी तो उस टाइम इसका 2 रियाल रेट था, अभी 2.5 रियाल बाद में 2.5 रियाल कर दिया गया था, तो गालबन 2 साल हो गए ये 2.5 रियाल की ही थी। हालांकि पहले बड़ी कोडर्ड होती थी 2 रियाल की, लेकिन ये 2 रियाल की आई, बाद में 2.5 रियाल की गई, अभी इसका रेट भी 3 रियाल कर दिया गया है, पहले 2 फिर 2.5 अभी 3 रियाल की ये कोडर्ड आपको मिलेगी जी। मैं सुपरमार्केट में मौजूद हूँ जी, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ भाई पेप्सी, ड्यू, कोका कोला, मिरिंडा वगैरह, इन सब के बड़ी बोतलों के रेट मैं आपको बता दूंगा। आप सब भाइयों को पता है जो बड़ी बोतल होती है ये कोका कोला पेप्सी वगैरह की, ये 2.25 लीटर की होती है, पहले इसके 5 रियाल रेट था, अगर आज से 2-3 साल पीछे चले जाएँ तो बाद में ये 8 रियाल की कर दी गई, तो अभी तक 8 ही रियाल की ये चल रही थी। यहाँ भाई मैं आपके साथ एक बात वाजह करता चलूँ, कई सुपर मार्केट बकाला पर अभी भी ये 8 ही रियाल की मिल रही है, और कोई सुपर मार्केट बकाला वगैरह ऐसे भी हैं जो 10 रियाल की बेच रहे हैं, लेकिन जो इसका सही रेट है ना वो मैं आपको बता देता हूं। टीम पैक जो है उसके मतलब तो मैंने आपको बता दिया है कि वो 3 रियाल का हो गया है, तो कोडर्ड भी मैंने आपको बता दिया 3 रियाल की होगी, तो ये 2.5 रियाल की थी, ये कांच वाली बोतल, इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो ये 2.5 रियाल की थी अभी ये भी 3 रियाल की ही कर दी गई है। ये भाई 2.5 रियाल की थी पहला, कि हालांकि ये 1.5 रियाल रेट होता बाद में 2.5 रियाल की हुई, अभी ये 3 रियाल की कर दी गई है। तो अभी बात भाई ड्यू, पेप्सी, कोका कोला वगैरह जितनी भी बड़ी कंपनी है की ये बोतलें हैं ना, तो ये सब अभी इनका जो रेट सही निकला है ना वो 9 रियाल है भाई। 9 रियाल में किसी भी सुपरमार्केट बकाला वगैरह से आप ले सकते हैं, 9 रियाल से जायद भाई पैसे मत दीजिए उनको, वो आपको फिर भाई ऐसे फुदू लगा रहा है, जैसा अगर सही बात करें तो 10 रियाल की जो आपको दे रहा है। हालांकि इसका जो कन्फर्मली रेट भाई निकला है ना वो यही है कि 9 रियाल, और पेप्सी जो 2 रियाल की थी वो 2.5 रियाल की होगी है, 2.5 रियाल वाली थी वो 3 रियाल की होगी है, और ये बोतल जो 8 रियाल वाली थी ये 9 रियाल की होगी है। तो सेवन अप, मिरिंडा वगैरह ये छोटी बोतलें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 रियाल की थी पहले, अभी ये 2.5 रियाल की है, जो 2.5 वाली 3 की होगी है, तो कोडर्ड भी 3 रियाल की होगी, ये बग्जी वगैरह 3 रियाल की होगी है, ये RC कोला है जी जो ये 1 रियाल की थी ये 1.5 रियाल की होगी है। भी नुस हलाला हर बोतल पर बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो बड़ी बोतल है 2.25 लीटर की उस पर भाई 1 रियाल बढ़ाया गया है, यानी कि 9 रियाल की गई है। इससे ज़्यादा अगर आपसे कोई पैसे लेता है तो वो भाई आपसे फिर ज्यादा ले रखा है, इसका जो सही रेट निकला है वो 9 ही रियाल निकला है। इसके और भाई मैं चीजें जो दूध दही वगैरह ऐसी वैरायटी है बकालों पर, उनके मुतलक भी मैं आपको अपडेट करूंगा कि उनके जो सही रेट हैं वो क्या निकले हैं इस वक्त मार्केट में। कुछ हजरात जैसा कि पेप्सी हमने एक भाई से ली थी कल, वो 10 रियाल की उसने दी है, लेकिन सही रेट आज पता चला है जी कि 9 रियाल की। एक सुपर मार्केट वाले से मैंने बात की है, उसने बोला भाई 9 रियाल रेट है सही पेप्सी का, 10 रियाल नहीं है।